Welcome class 5th. Okay. Hello friends. How are you? Okay. Hope all are you fit and fine. Okay. Today I am going to teaching you poem Betsy Barney and the Friendly Fire. Okay. तो यहाँ पे आज हम हमारा जो चैप्टर 4 था उसके बाद की जो पोयम है कि बेट्सी बार्नी एंड द फ्रेंडली फ्लाई वो आज पढ़ेंगे। अब उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि हमें जो हमारा कुदरत का दिया हुआ जो ब्यूटी ऑफ नेचर जो कुदरत का सौंदर्य है तो भगवान ने हमें क्या कुछ नहीं दिया है, नदियाँ है, सरोवर है, फिर हिल्स है, माउंटेन्स है, ट्रीज है, फॉरेस्ट, सारी ग्रीनरी, उसके साथ साथ जो बर्ड्स एनिमल इंसेक्ट, तो उसमें बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी उनको देख के हमारा मन इतना अट्रैक्टिव इतना लुभावित हो जाता है कि हम उसको देखते ही रह जाते हैं। कि जैसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन है, फिर उसके अलावा जो रेनी सीजन होती है तब जहाँ पे ग्रास पे हम देखते हैं बहुत ही कलरफुल बटरफ्लाइज बैठे हुए होते हैं तो बहुत ही अद्भुत वंडरफुल सीन वो दिखता है कि हमारे आँखों से वो सीन हटता नहीं है कि हमारी नज़र बार बार उस पर जाती है। तो बर्ड्स है जो चिड़िया का चहकना, अभी तो सिटी एरिया में ये बहुत सारा कम हो गया है पर हम देखते हैं कि गाँवों में चिड़िया की जो चिरपिंग होती थी उससे सबका सवेरा होता था, है ना। ओके तो इन दिस चैप्टर यहाँ पे बेट्सी एंड बार्नी पोयम में है क्या, बेट्सी और बार्नी दो बर्ड्स, वो बर्ड्स बताए हैं, बार्नी है वो ब्रदर है और बेट्सी है वो उसकी सिस्टर है। इमेजिन किया हुआ है कि यहाँ पे बताया गया है बेट्सी एंड बार्नी दो बर्ड्स है और बेट्सी है वो बार्नी की सिस्टर है, बार्नी है वो बेट्सी का ब्रदर है। तो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते होते हैं, बर्ड्स उड़ने का काम करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, ओके, नेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे बेट्सी बार्नी जब उड़ते थे और इधर उधर घूमते हुए नज़र करते हैं तब उनकी नज़र नीचे जाती है तो नीचे उनको फ्लाई दिखती है और ये फ्लाइज कोई ऐसी वैसी फ्लाइज नहीं थी, उन्होंने इमेजिन किया, उन्होंने नीचे देखा तो उनको क्या दिखा कि जो फ्लाइज थी वियरिंग हैट एंड टाई, कि जो फ्लाई थी उन्होंने भी हैट और टाई पहना हुआ था। ओके अब हम देखते हैं कि पोयम में क्या है। ओके तो ओके स्टूडेंट्स टेक योर टेक्स्ट बुक, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54। पोयम बेट्सी बार्नी एंड द फ्रेंडली फ्लाई। बेट्सी वॉज अ ब्यूटीफुल बर्डी, अंडरलाइन ब्यूटीफुल, यहाँ पे बर्डी यानी बर्ड, कि बेट्सी है वो बहुत ही सुंदर बर्ड था, बर्ड। बेट्सी हैड ए ब्रदर कॉल्ड बार्नी, और बेट्सी को एक भाई था जिनका नाम था बार्नी। बोथ ऑफ देम हैड फैबुलस फीदर, अंडरलाइन दिस वर्ड फैबुलस, मतलब दोनों को, बोथ बोथ यानी दोनों, तो दोनों कौन, बेट्सी एंड बार्नी, दोनों को बहुत ही फैबुलस फीदर्स थे, फैबुलस यानी अद्भुत, बहुत ही सुंदर एथलेटिक अद्भुत फीदर्स थे, आकर्षित। शील्डिंग देम अगेंस्ट ऑल वेदर्स, अंडरलाइन दिस वर्ड शील्डिंग एंड वेदर्स, तो शील्डिंग यानी ऑल वेदर्स, पूरे वेदर्स में हम शील्डिंग यानी क्या करना कि जो बर्ड्स होते हैं ना वो अपने विंग्स को, मतलब अपने जो पंख होते हैं जो पीछे उनको मोल्ड होता है, मतलब सीजन के हिसाब से साल में दो एक या दो बार वो अपने पीछे जो होते हैं वो खर जाते हैं, उनकी जगह पे नए आते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं, ठीक है। देम अगेंस्ट ऑल वीदर, मतलब वो अपने विंग से हमेशा ऑल वीदर्स में। फ्लाइंग ओवर द फील्ड दे शो ए फ्लाई, फील्ड, अंडरलाइन दिस वर्ड फील्ड, तो ये बेट्सी और बार्नी दोनों जो पंछी थे कि खेत में ऊपर उड़ रहे थे और वहाँ से उन्होंने एक फ्लाई देखी थी। द फ्लाई वॉज वियरिंग ए हैट एंड अ टाई, और जो फ्लाई थी उसने हैट पहनी हुई थी और टाई पहना हुआ था।
दे केम टू द ग्राउंड टू सी मोर फ्लाइज. और वहाँ पे मतलब कभी भी हम फ्लाइज को देखते हैं तो वो हैट और टाई में तो होती रही है, तो इनको हैट और टाई में फ्लाइज को देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ और इसीलिए वो और फ्लाइज को देखने के लिए ग्राउंड पे नीचे आते हैं. दे वी वेयर सिटिंग इन क्लास ऑल वियरिंग टाइज. और वो देखते हैं क्लास में जो बैठी हुई सारी फ्लाइज थी तो सब ने हैट और टाई पहना हुआ था. इन दिस पिक्चर, सेकंड पिक्चर हम देख भी सकते हैं. फर्स्ट पिक्चर में दोनों बर्ड को उड़ते हुए नज़र में आया है, फील्ड के ऊपर उड़ते हुए सीन है. सेकंड पिक्चर में हम देखते हैं कि फ्लाइज है वो क्लासरूम में बैठी हुई है, सब ने हैट और टाई पहना हुआ है. तो एक है ना फनी थिंग कि हमने कभी भी टाई, फ्लाई को तो कभी टाई या ऐसी इमेजिन भी नहीं किया होगा, कभी हम सोचेंगे भी नहीं कि फ्लाई टाई, फ्लाई है वो टाई या हैट या ऐसे कपड़े पहनेगी. तो हमने पोएट को ये भी नज़ारा दे दिया है. फर्स्ट सेड बट्सी, व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब ये क्या हो रहा है कि सारी फ्लाइज ऐसे क्लास में शांति से बैठी हुई है, सब ने टाई और हैट पहना हुआ है. तो जो बैट्सी थी सिस्टर वो पूछ रही कि ये क्या हो रहा है. सेड फ्लाई, तो फ्लाई कहती है मतलब चुप रहो, ऐसा इशारा करती है. ट्रेसी ट्रेकर इज टेकिंग टेस्ट, तो ट्रेसी ट्रेकर से वो क्या कर रहा है, टेस्ट ले रहा है. मतलब सीन क्या था, क्लासरूम में फ्लाइज है वो टेस्ट दे रही थी, एग्जाम उनका चल रहा था. वी ऑल फिनिश्ड बट सी इज लेट, मतलब जो हम सब ने फिनिश कर दिया, सबकी टेस्ट है वो ख़त्म हो गई है, पर ये है वो अभी भी एक फ्लाई थी, वो थोड़ी लेट हो गई थी और वो अपना काम कर रही है, टेस्ट का काम उसका चालू था. Many more minutes she is going to take, मतलब बहुत टाइम हो गया अब उसका भी होने ही वाला है. We are waiting for her to wind up, मतलब हम सब उसका वेट कर रहे हैं, सभी फ्लाइज है वो उसका वेट कर रहे थे winding up, यानी सब कुछ बंद करने के लिए. Exams will end and we will pack up, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो हम सब pack up करेंगे. अब आपने ये pack up word कहाँ पर सुना हुआ है, ओके तो जहाँ पे शूटिंग चलता होता है मूवीज़ का, हम देखते हैं ना फिल्म पिक्चर, तो मूवीज़ जो चलते हैं तो उनका शूटिंग चलता हो या कहीं पे सीरियल्स का शूटिंग चल रहा है, ऐसे तो हमने तो लाइव तो नहीं देखा है कहीं पे, शायद किसी ने देखा हो, पर हम सीरियल्स या मूवीज़ में देखते हैं कि वो लोग शूटिंग चलता है तो रोल कैमरा एक्शन ऐसे करते हैं और फिर लास्ट में जब कंप्लीट होने के बाद जो डायरेक्टर होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं वो जो करता है कैमरामैन वो कहता है पैक अप, यानी सब बंद करना है. तो यहाँ पे फ्लाइज थे उनकी टेस्ट चल रही है, सबका टेस्ट हो गया, एक का बाकी था तो सब वेटिंग कर रहे हैं कि वो कंप्लीट करे तो सबका एंड हो जाए और एग्ज़ाम का आज एंड हो रहा था, एग्ज़ाम थी वो ख़त्म हो रही थी. तो जैसे बच्चे भी एक्साइट होते हैं, आपका जैसे कि लास्ट ऑफ मंथ होता है, ईयर का लास्ट ऑफ मंथ फाइनल एग्ज़ाम होती है, लास्ट दिन होता है तो कितने एक्साइटेड होते हो कि एग्ज़ाम में भी ध्यान नहीं रहता, बच्चों को वही ख्याल आता है कि कल से वैकेशन है कंप्लीट है तो हम कैसे अपना वीक मनाएंगे, कैसे अपना वैकेशन मनाएंगे. तो यहाँ पे इन लोगों का भी लास्ट एग्ज़ाम था, ख़त्म होने वाला था, तो वो भी सोच रहे थे कि अब हम वाइंड अप पैकअप करेंगे. Weaving the way for a wonderful weekend, मतलब wonderful weekend, मतलब ख़त्म हो रहा था एग्ज़ाम तो हम वीकेंड है हमारा, उसको बहुत ही अद्भुत तरीके से, बहुत ही उसके लिए उनके मन में ख्याल थे कि उस तरह से हम अपना वीकेंड मनाएंगे. How to spend it, what do you recommend, मतलब हम किस तरह से अपना वैकेशन, कैसे अपना वीकेंड हम मनाए, आप क्या रेकमेंड करेंगे, मतलब आप क्या सुझाव दोगे कि कैसे बनाना चाहिए अच्छे से, कहीं रिलेटिव्स के वहाँ जाना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, कभी सभी फ्रेंड्स को मिलके एंजॉय करना चाहिए. ओके तो इन दिस पोयम कि यहाँ पे बताया है कि एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद बैट्सी एंड बर्नी दो ब्रदर एंड सिस्टर थे, बर्ड थे, कि वो अच्छी तरह से खेत में ऊपर उड़ रहे थे, वहीं उनकी नज़र एक फ्लाई पे जाती है कि जिन्होंने हैट और टाई पहना हुआ था, तो उनको देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ कि कभी भी हमने फ्लाई को हैट और टाई पहने हुए देखा नहीं है. तो वो और मोर फ्लाइज को देखने के लिए नीचे आते हैं ग्राउंड पे और देखते हैं तो क्लासरूम में जितनी भी फ्लाइज बैठी थी तो सब ने क्या किया था, हैट और टाई पहना हुआ था. तो उनको देख के थोड़ा सरप्राइज होता है, बैट्सी पूछती है कि ये क्या चल रहा है, तो जो ट्रेसी टेकर है बोले टेस्ट ले रहा है
और हम सबका हो गया है, इसका बाकी है एक फ्लाई का, तो हम सब उसका वेट कर रहे हैं। जैसे ही ख़त्म होगा, एग्ज़ाम का एंड है, तो हम सब वाइंड अप करेंगे, पैकअप करेंगे और अच्छे से अपना वीकेंड वंडरफुल मनाएंगे। ओके ओके, तो थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।